हेलो फ्रेंड, हर महादेव। आज गैरेज में होंडा सीबी यूनिकॉर्न 160 बाइक आया मेरा पास, तो इसमें क्लच बहुत टाइट है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है। तो क्लच फिर मैंने ढीला करके देखा तो फिर भी पिकअप नहीं ले रहा है, इसका प्रॉब्लम है। इसका क्लच प्लेट गया हुआ है, तो फटाफट करके इसका क्लच कवर खोल दिया मैंने, और इसका ऑयल देखिए किस हालत में ऑयल, और उसके साथ साथ क्लच कवर देखिए कितना डस्ट है। ये डस्ट जो होता है ये क्लच प्लेट का होता है, और अभी जो इसका प्राइमरी गियर का ऊपर जो रोटर होता है वो खोलेंगे ये गियर का मदद से। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, क्लच प्लेट जा रहा है क्यों, कैसा ख़राब हो रहा है ये दिखाऊंगा। इसका ऑयल फिल्टर है, पूरा कचरा भरा हुआ है ऑयल फिल्टर में। अभी कूलर लगाऊंगा, कूलर कहाँ पे लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा ये भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए बीच में जो किक शाफ्ट भी है, पर किक शाफ्ट में बिल्कुल इसको टच नहीं होना चाहिए, किक शाफ्ट में इसको लोड देना नहीं चाहिए। जो इसका फुटरेस है, फुटरेस में पूरा लगा हुआ है, तो ताकत मुझे मिल जाएगा खोलने के लिए। अच्छा तरह से ताकत मिल गया और अच्छे तरह से खुल गया भी है। अगर किक शाफ्ट में लगेगा तो किक शाफ्ट बेंड हो जाएगा। एक अभी ये जो गियर होता है, जो देखिए दोनों, ये हर्नेट का सब सेटिंग है, हर्नेट सीबी यूनिकॉर्न होंडा सीबीआर, ये सब में जैसा कि अपना पल्सर में सीजर गियर होता है प्राइमरी गियर के साथ जो मैच करके टाइमिंग मैच करके लगाना पड़ता है, तो इसमें भी बैलेंसर गियर होता है, तो बैलेंसर गियर और प्राइमरी गियर दोनों मैच करके टाइमिंग के हिसाब से लगाना पड़ता है, तो गाड़ी वाइब्रेशन करने लगता है। अब इसका क्लच प्लेट पूरा ख़राब था, तो उसका जो सेंटर अच्छा है और हब घिस गया है। हब पूरा कटा पड़ा है, और एक चीज़ मैंने इसमें गौर किया, जो उसका मेन शाफ्ट होता है इनपुट शाफ्ट, कोई क्लच शाफ्ट बोलता है, इसका बेयरिंग गया हुआ है, इसी के वजह से क्लच प्लेट बार बार जा रहा है। तो इसके लिए मैंने कस्टमर को बोला कि इंजन खोलना पड़ेगा, कस्टमर ने बोला मेरे पास इतना तो बजट नहीं है, बाद में करा लेंगे उसको। तो ये पार्ट हब मैंने चेंज किया, क्लच प्लेट चेंज कर दिया और कर दिया। अभी गाड़ी चालू करके दिखाने वाला हूँ आपको, गाड़ी क्लच सही से वर्क कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है। ये था एक छोटा सा वीडियो आज का, छोटा सा जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें।